गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी ट्वाइस। डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, हु हैज़ बिकम द न्यू सीएम ऑफ पंजाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चरणजीत सिंह चन्नी न्यू सीएम बने हैं पंजाब के। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, अमरिंदर सिंह इज़ द फॉर्मर सीएम ऑफ पंजाब, चरणजीत सिंह ने सक्सेड किया है अमरिंदर सिंह को। नीतीश कुमार इज़ द सीएम ऑफ बिहार और हेमंत सोरेन इज़ द सीएम ऑफ झारखंड। उसके अलावा पंजाब का जीआई टैग है फुलकारी और बासमती। इसके अलावा पंजाब का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक और स्टेट बर्ड है नॉर्थन गोसफैक। क्वेश्चन टू, हु चूज एज न्यू सीईओ एंड द एडिटर इन चीफ ऑफ अदानी एंटरप्राइजेस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संजय पुगलिया। संजय पुगलिया को न्यू सीईओ एंड एडिटर चीफ ऑफ अदानी ग्रुप के लिए सीईओ चूज किया गया है। संजय पुगलिया ने पहले लीड किया है, संजय पुगलिया को चूज किया गया है टू लीड द ग्रुप ऑफ मीडिया इनिशिएटिव्स अदानी ग्रुप में, और संजय पुगलिया ने पहले हेड किया है सीएनबीसी आवाज़ को। बाकी ऑप्शंस की बात करें, प्रतिभा मोहनपात्रा इज़ दी वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन ऑफ एडोब, शशि शंकर इज़ दी सीईओ ऑफ ओएनजीसी एंड अभय कुमार सिंह इज़ दी सीईओ ऑफ एनएचपीसी। क्वेश्चन थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद एसएमई लेंडिंग प्लेटफॉर्म द विंता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप की है द विंता नामक प्लेटफॉर्म के साथ जो बेंगलुरु बेस्ड है। फ्लिपकार्ट होलसेल के लिए मतलब एक ऐसी स्कीम लॉन्च करेंगे बाय नाउ पे लेटर, जो छोटे उद्योग धंधों के लिए रहेंगी, फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी टू द एमएसएमई एंड किराना स्टोर्स। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट इस्टेब्लिश किया गया है 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। बाकी ऑप्शंस की बात करें, अमेजॉन 1994 में इस्टेब्लिश किया गई है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है यूएस। सीईओ इज़ एंडी जेसी एंड फाउंडर इज़ जेफ बेजोस। जियो मार्ट 2019 में इस्टेब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरमैन है मुकेश अंबानी। बिग बाज़ार 2001 में इस्टेब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है एंड दी फाउंडर इज़ किशोर बियानी। क्वेश्चन फोर, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन एक्सकैवेशन इंजीनियर टू वर्क इन अ सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवानी मीना। शिवानी मीना फर्स्ट वुमन, इंडियन वुमन बनी है जिन्होंने सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड में काम किया है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो शिवानी मीना ने आईआईटी जोधपुर से अपना एजुकेशन किया है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो तश्नुआ अनान शिशिर, ये बांग्लादेश की फर्स्ट वुमन ट्रांसजेंडर बनी है, एंकर है वो।
क्लेयर पोलोसैक इज द फर्स्ट वुमन एम्पायर, ठीक है, फर्स्ट वुमन एम्पायर बनी है इन मेंस टेस्ट क्रिकेट, और ये ऑस्ट्रेलिया से है। भावना कांत इंडिया से है, ये फर्स्ट वुमन पायलट बनी है फॉर इंडियन एयरफोर्स। क्वेश्चन 5, हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस वुमन प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हर फैंटेसी नॉवल पिरासिना, पिरानेसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुसाना क्लार्क। सुसाना क्लार्क ने को फर्स्ट वुमन प्राइज मिला है इन द फिक्शन फॉर हर फैंटेसी नॉवल पिरानेसी। आपको ये नाम याद रखना है, और उसके अलावा ये नॉवल किसने लिखी है ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो अवनी दोषी बर्नट शुगर नामक बुक लिखी है, इनका भी इस अवार्ड के लिए नाम था। ब्रिट बेनेट ने बुक लिखी है द वैनिश एज, एंड डॉन फ्रेंच ने बिकॉज ऑफ यू, और सुजाना क्लर्क को 30,000 pounds का प्राइज मिला है। क्वेश्चन 6, रिसर्चर ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप एन आर्टिफिशियल स्किन लाइक मटेरियल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने एक आर्टिफिशियल स्किन लाइक एक मटेरियल बनाया है जिसको हीट करने के बाद, जैसे हीट करेगा उसके साथ वो कलर चेंज करेगा लाइक अ चैमेलियन। तो इसे डेवलप किया है साउथ कोरिया ने, और इस टीम को लीड किया था सुयंग हुआन ने, और इसे बनाया गया है एट सेओल। सेओल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, सेओल नेशनल यूनिवर्सिटी में इसे बनाया गया है। सॉरी, अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है सेओल, यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वन, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मून जेई इन। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन, और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिन एबे शिंजो। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है युआन, और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और यहाँ की करेंसी है रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द अफ्रीका फूड प्राइज 2001 फॉर इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी इन सब सराहन अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसके ऑप्शंस थोड़े गलत हो गए हैं, मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट करा दूंगी। तो इसे अवार्ड दिया गया है फॉर इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी इन सब सराहन अफ्रीका। इसके अलावा ICRI साइट को भी अवार्ड दिया गया है फॉर ट्रॉपिकल लिगम्स प्रोजेक्ट के लिए, और ये अवार्ड, इन्हें जो अवार्ड दिया गया है वो अवार्ड दिया है एट अफ्रीका फोरम फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन 2001 समिट के दौरान ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन 8, विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च अ म्यूजिक बस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली ने एक म्यूज़िक बस लॉन्च की है जिससे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी फॉर ऑडियो प्रोडक्शन, जो ऑडियो प्रोडक्शन में फिल्म में
या फिर फिल्म प्रोडक्शन या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वर्क करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये। और ये इंडिया की फर्स्ट म्यूज़िक बस रहेंगी। इसमें मोबाइल क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो रहेगा। इसे लॉन्च किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सेलेंस इन परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में। दिल्ली ने हाल ही में SAVATMI सवातिमा स्कीम स्टार्ट की है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 9, मनोरमा मोहनपात्रा पास अवे, शी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। इसका सही जवाब है जर्नलिज्म। तो इनका देहांत हुआ है, इनकी फील्ड थी पत्रकारिता। इन्हें शी इज़ एडिटर ऑफ ओडिया डेली समाजा। क्वेश्चन 10, KM रॉय पास्ड अवे इन सितंबर 2021। ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। इनकी फील्ड भी जर्नलिज्म थी, जर्नलिज्म में थी। अगर इन्हें स्वदेशी अभिमानी केसरी अवार्ड दिया गया था फ्रॉम केरला। केरला गवर्नमेंट ने इन्हें यह अवार्ड दिया था। ये दोनों नाम में आपको सिर्फ इनकी फील्ड और इनके नाम याद रखने हैं और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मनोरमा पात्रा जर्नलिज्म एंड प्रतिभा पात्रा जो वाइस चेयरमैन बनी है एडोब कंपनी की। क्वेश्चन 11, विच स्टेट फेमस हैंडमेड प्रोडक्ट विल सून बी अवेलेबल ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट ने के सीएम ने अनाउंस किया है कि वहाँ के हैंडमेड प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल शॉल, स्वेटर हो गए या फिर कारपेट, ऑर्गेनिक हनी एंड स्पाइसेस एक्सेट्रा, ऐसे प्रोडक्ट को ई कॉमर्स मतलब डिजिटली जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। इससे जो ग्रुप रहेगा 27,000 ग्रुप हेल्पिंग प्रोडक्ट उसके साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा अंडर हिम ईरा ब्रांड। इस ब्रांड के अंदर रहेगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। वहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट्स है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। वहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। वहाँ के न्यू गवर्नर बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उसके अलावा सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। वहाँ के सीएम बने हैं पीएस गोलाई और वहाँ के गवर्नर हैं गेंगा प्रसाद। असम की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर। वहाँ के सीएम हैं हेमंत बिस्वा सेन और वहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। क्वेश्चन 12, दी थर्ड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वेयर हेल्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर और इंडिया के बीच में थर्ड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ है और इससे रखा गया था एल सेल्वाडोर में। इंडिया से इसे इसके लिए रिप्रेजेंट किया था रवि गांगुली दास ने
सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट और एल सेल्वाडोर से लीड किया था। एड्रीना मैरिया मीरा इज द वाइस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन। अगर हाल ही में एल सेल्वाडोर ने बिटकॉइन को एज अ करेंसी घोषित किया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एल सेल्वाडोर की कैपिटल है सैन सेल्वाडोर, वहाँ की करेंसी है डॉलर। एल सेल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में आता है, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है नाइब बुकले। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो हुंडुरास की कैपिटल है टेग्यू गैल्पा, वहाँ की करेंसी है हुंडुरान लेम्प्रिया और वहाँ के प्रेसिडेंट है जुआन ओलरांडो हेरदानजेस। निकारागुआ की कैपिटल है मैनेग्युआ और वहाँ की करेंसी है निकारागुआन कोरोडोबा। वहाँ के प्रेसिडेंट है डैनियल ओर्टेगा। और ग्वाटेमाला की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी और यहाँ की करेंसी है ग्वाटेमालियन और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है एलेजांड्रो गैनेमेकेटो। और ग्वाटेमाला की करेंसी है ग्वाटेमालियन क्वेटेजॉल। क्वेश्चन 13, इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल हैव मेट्रो रेलवे सर्विस बाय नवंबर 2021। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ 1 और 2, आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल सर्विस स्टार्ट होने वाली है बाय नवंबर 2021 से, और इसे इन्फॉर्म किया गया है बाय सीएम योगी आदित्यनाथ और इसका प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेन शुरू होने वाली है वडोदरा इन गुजरात में, जो 6 किलोमीटर के रहेंगी फॉर द फर्स्ट फेज। क्वेश्चन 14, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैज एंटर्ड इनटू अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्सेस टू इसरो फैसिलिटीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस। इसरो ने एक एग्रीमेंट साइन किया है बिटवीन अग्निकुल कॉस्मोस, इससे टेस्टिंग और क्वालिफिकेशन किया जाएगा फॉर द 3D प्रिंटेड सेमी साइरो इंजन और अदर सिस्टम एयरक्राफ्ट्स के लिए इसकी टेस्टिंग की जाएंगी। और अग्निकुल कॉस्मोस इज बेस एज अ नेशनल सेंट्रल कंबशन एंड R&D डिपार्टमेंट ऑफ IIT मद्रास चेन्नई, और इसरो ने एक एग्रीमेंट साइन किया है विद द स्काई रूट एरोस्पेस, जिसके साथ 3D एरोस्पेस बनाए जाएंगे। और इसरो के फाउंडर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, इसरो ने एक एग्रीमेंट साइन किया है बिटवीन अग्निकुल कॉस्मोस और उसके साथ एक स्काई रूट एरोस्पेस के साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, हैव अ गुड डे।